ये सर सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर लिया है। सर मेरा सौभाग्य है सर। अच्छा, एक चीज आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के साथ बहुत ज्यादा दुष्टता हो रही है, जी इस बात को आप किस हद तक समझ पा रहे हैं? सर, बहुत ज्यादा तो इसमें सोचा नहीं है, लेकिन जब से आपका वो कुछ दो तीन जो क्लिप भेजी है उसके हिसाब से थोड़ा अभी प्रयास कर रहा हूँ सर समझने का। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये बच्चा भी अनुमान लगा सकता है? जैसे अज्यूम करिए, यदि यदि आप गुलाम हैं, एक किसी देश के गुलाम हैं, और गुलामों का के ऊपर शासन किया जा रहा है, तो जब आप स्वतंत्र देश बनेंगे तो आप उन्हीं जी सब नियम कानून और व्यवस्था को थोप के रखेंगे, या वो व्यवस्था बदलना चाहिए? बदलना चाहिए सर। बदलना चाहिए। तो आपके जी जो जितने भी नियम कानून हैं, जो जी अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए, कुंठित करने के लिए, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए और उनका शोषण करके इस देश को जो है गरीब बनाने के लिए जो नियम कानून और व्यवस्था बनाई गई थी, वो सभी जी नियम कानून और व्यवस्था हमारे ऊपर हमारे इस इन दुष्ट राजनेताओं ने नहीं थोप के रखी है क्या? निश्चित तौर हमारे निश्चित रूप से विद्वानों को, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, आपके हिसाब से नहीं लगता है कि हमें थोड़ी बहुत लज्जा आना चाहिए कि इस देश का इतिहास बदल दिया गया है? जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो अर्ध सत्य है। और जी इस देश में आक्रमणकारियों और आतताइयों को महान कहा गया, उनको महिमा मंडित किया गया और हमको ही मलिन किया गया। जी बिल्कुल। आप ये बताइए, हैं? ये तो मेरे मन में भी बहुत टीस है। मेरे मन में क्या, मेरे ख्याल से हर भारतीय के मन में ये टीस होगी कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आपको चारों तरफ से इतना घेर के और फंसा के रखा गया है कि आपको सोचने के लिए और चिंतन करने के लिए और अंदर झांकने के लिए कुछ समय ही नहीं बचा है। जी पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरे कुनबे को पाल लेता था, आज मियां जी बीवी दोनों लगे हुए हैं, दोनों पसीने में तर बतर हैं, अपने दो बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, चारों तरफ से महंगाई के, चारों तरफ से टैक्सेस के, चारों तरफ जो ना कंप्लायंस के जाल बिछा दिया गया है, और आप जी सुबह से लेकर शाम तक उस कंप्लायंस को करने में लगे हुए हैं, और वो कंप्लायंस इतने जटिल बनाए गए हैं कि आप पूरी मेहनत भी कर लेंगे तो भी गलती रही जाएगी, नंबर 1। और उसमें जी इस बादशाही व्यवस्था को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि जब वो चाहें वो तब आपके ऊपर जो है ना आपका व्यवसाय बंद कर दें, आपकी बत्ती गोल कर दें, आपको जेल में डाल दें, आपके अकाउंट सीज कर दें। आपको नहीं लगता है कि एक आपको एक मकड़ जाल में फंसा दिया गया है? सर मतलब ये इस बात से आप क्या आप इसे महसूस कर पा रहे हैं? हाँ सर पूरी तरह से। जी अब आप ये बताइए कि हमने एक संकल्प लिया है कि 2024 में